बच्चों आज हम सभी पंखुड़ी कक्षा 3 पाठ 6 जिसका नाम है सबसे पहले इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बताओ कवि सबसे पहले उठकर क्या सुनना चाहता है। इसका उत्तर है चिड़ियों की चहचहाहट। प्रश्न नंबर 2, बताओ कवि सबसे पहले उठकर क्या देखना चाहता है। इसका उत्तर है पूरब में फैले पीले लाल तथा सुनहले बादल। प्रश्न नंबर 3, बताओ कवि सबसे पहले उठकर क्या चुनना चाहता है। इसका उत्तर है पौधे की डाली पर खिले सुंदर सुंदर फूल। अगला क्वेश्चन, बताओ कवि सबसे पहले उठकर क्या क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला और कैसे पूरब में पीले लाल सुनहले बादल फैले। अगला क्वेश्चन, लिखो कैसे कैसे रंग के होते हैं बादल। सुबह के समय बादल कैसे होते हैं, लाल और पीले होते हैं। शाम को बादल कैसे होते हैं, लाल और नीले होते हैं। बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो बादल कैसे हो जाते हैं, काले और सफेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, कविता में से ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लिखो जो सुनूंगा जैसे लगते हैं। तो इस कविता में 2 शब्द आए हैं, एक चुनूंगा और एक फिरूंगा, जो कि सुनूंगा जैसे लगते हैं। समझो और लिखो, जैसे ये वर्तमान में सुनती हूं तो इसका भविष्य काल बना दिया गया सुनूंगी। भूमि आ जाइए, जैसे लिखा है खेलता हूं तो क्या हो जाएगा, खेलूंगा। बहुत बढ़िया। लिखा है पढ़ती हूं तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़ूंगी। बढ़िया। लिखा है लिखता हूं तो क्या हो जाएगा इसका, लिखूंगा। भूमि के लिए क्लैपिंग करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, मिलाओ कौन कहां। तो विकास आ जाएगी, फूल खिले हैं, देखिए इसमें किससे मिलाएं, पौधे की डाली, पौधे पौधे की डाली पर। अगला, बादल फैले हैं, कहां फैले हैं, पूरब में। बहुत बढ़िया। पंछी बोले कहां बोले, आंगन में। पत्ते डोले कहां पे, बाग में। बहुत बढ़िया। विकास लिख लिखी गई।